राजस्थान के बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट का खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या माना है। इस मामले में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी और कांस्टेबल सोहन सिंह समेत 7 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। मामला 2017 का है, जब कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस एनकाउंटर को पुलिस ने अपने रिपोर्ट में सही ठहराया था, लेकिन कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में कही गई एनकाउंटर की बात गलत है और इसे हत्या करार दिया है। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में बताया कि एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस ने इसे जानबूझकर अंजाम दिया था। कोर्ट ने बचाव पक्ष की 5 दलीलों पर सहमति जताते हुए कहा कि यह मामला फर्जी एनकाउंटर का है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आईपीएस अधिकारी समेत 7 पुलिस वालों का हत्या का मुकदमा चलेगा। आनंदपाल मामले में कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है और इस पर देश भर में चर्चा हो रही है। कोर्ट का यह फैसला पुलिस और न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कानून के नाम पर किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, सीबीआई की जांच गवर्नमेंट ने मान ली, उसमें उस समय सरकार ने अपने हिसाब से पूरी प्रक्रिया को निपटाया। मांग हमारी जो थी वो पूरी नहीं हुई, हम लोगों पे सीबीआई के मुकदमे हुए 12,000 लोगों पे। उसके बाद में उनका जो परिवार है वो कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने डिसीजन दिया जो ऑथेंटिक था, क्योंकि जो उस समय आनंदपाल सिंह जी का जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में जो कुछ बातें थी वो उस समय भी संदेह पैदा कर रही थी, तो उन संदेहास्पद बातों की वजह से आंदोलन हुआ था और उसका आज कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सत्यमेव जयते। जो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से आनंदपाल जी का भी निर्णय आ गया है उस पूरे मामले में, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के लिए भी न्याय की एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, क्या कहना? देखिए, सुखदेव सिंह जी का मैटर अलग है, वो डिफाइंड है, उसमें पता है कि कौन आरोपी है, किन लोगों का हाथ है। वो करीब करीब सरकार और सीबीआई वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं उस मैटर तक, और उसमें इंटरपोल की मदद वो ले रहे हैं, वो एक लंबी प्रक्रिया है थोड़ी सी। बाकी मैं ये मानना चाहता हूँ, और मेरे को ये भी है कि व्यक्तिगत रूप से जो मेरा अनुभव है, आप कोई भी जब लड़ाई लड़ते हैं और जब जन समर्थन हासिल होता है, इसका मतलब ये है कि आप सही लड़ रहे हैं, नहीं तो लोग आपका साथ नहीं देते। दोनों मुद्दों पर आनंदपाल एनकाउंटर में भी पूरा देश का राजपूत इकट्ठा हुआ, 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद में सुखदेव सिंह जी के साथ में जो दुर्घटना हुई, उन पर जो एक तरीका का मैं तो कह सकता हूँ समाज को बड़ी हानि हुई, उसमें भी पूरे प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक बंद कभी नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों मुद्दे और बातें ठीक थी, और न्याय इस देश में आज तक होता आया है, और न्याय की उम्मीद में आदमी रहता है कि न्याय होना चाहिए। कोर्ट ने न्याय को साबित किया, मैं धन्यवाद देता हूँ कोर्ट का। और जिस प्रकार से राजपूत समाज इकट्ठा होता है समय समय पर, अब भले ही अपनी बात हो या सर्व समाज की बात हो, ऐसे राजपूत समाज के ऊपर विधानसभा में हरीश चौधरी ने टिप्पणी करी है ठाकुरों को लेकर, राजपूतों को लेकर। ये बजट ठाकुरों वाला है। देखिए, हरीश चौधरी एक राजनेता है, और किनारे पर तैरता हुआ जो आदमी होता है, जब उसको समुद्र दिखता है तो दूरी उसको नज़र आती है, तो वो पलट कर एक बार कहीं ना कहीं कोशिश करता है। मैं राजनीति से हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हरीश चौधरी को जौहर याद आना चाहिए, हरीश चौधरी को उन राजपूतों का बलिदान याद आना चाहिए, हरीश चौधरी को बॉर्डर पर लड़ने वाले और शहीद होने वाले वो सूरवीर नज़र आने चाहिए, हरीश चौधरी को त्याग तपस्या बलिदान तर्पण अर्पण नज़र आना चाहिए, हरीश चौधरी को 1947 में 565 रजवाड़े जो राजपूतों ने दान दे दिए इस देश की एकता की खातिर, वो नज़र आने चाहिए। और हरीश चौधरी जिस उम्मेद अस्पताल में शायद पैदा हुए होंगे, उस उम्मेद अस्पताल का वो वार्ड याद आना चाहिए जहाँ उनका जन्म हुआ, और हरीश चौधरी की खुद की ढाणी में जो कुआ है वो भी ठाकुर जी, एक ठाकुर साहब थे उनका बनाया हुआ ही कुआ है, और हरीश चौधरी को कम से कम एक प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। जिस किसान कौम से हैं वो, वहीं के एक राजपूत राजा ने, गंगा सिंह जी ने 1927 में अपना सब कुछ बेचकर और सब कुछ दांव पर लगाकर कहां से भाखड़ा नांगल से और बीकानेर तक एक नहर निकाली, और पूरे मैं कहता हूं पश्चिमी राजस्थान को उन्होंने हरा भरा करने में अपनी भूमिका निभाई, तो वो एक ठाकुर का त्याग तपस्या और बलिदान थी। बात गढ़ किलों की है तो देखिए, राजस्थान में लोग गढ़ किले ही देखने आते हैं, ये पर्यटन की धरती है, सबसे बड़ा व्यापार भी है पर्यटन का ही है। अब गढ़ किले राजपूतों के हैं तो उसमें तो ना तो हरीश चौधरी कुछ बदल सकते हैं, ना सरकार बदल सकती है, ना ये लोकतंत्र बदल सकता है, ना कोई ठाकुर बदल सकता है। उनको ये कहना चाहिए था कि लोकतांत्रिक देश में अगर कुआं ठाकुर का था तो ये
धर्म का काम था, उसमें तो कोई राजनीतिक बात ही नहीं थी। और लोकतांत्रिक देश से पहले भी ठाकुर की सब चीज़ें थी, तो उसमें भी आज जाट कम्युनिटी इतनी बड़ी है, उनके आप रिकॉर्ड निकलवा लो, जितने भी किसान हैं 95% राजपूतों की थी ज़मीन, उनके नाम हो गई जागीर एक्ट में। हमने तो कभी नहीं कहा कि किसानों ने हमारे साथ में गलत किया, हमने स्वेच्छा से दी, इस देश के लिए दी, इस समाज के लिए दी, उन किसानों के लिए दी। तो उसमें तो हरीश चौधरी तो एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं तो इस तरह बयानबाजी मानता हूँ, मैं नहीं मानता एक विधायक का या इस तरीके के राजनेता का कोई बयान होना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी से आपस में एक वैमनस्य पैदा होता है। ये अपनायत की धरती है, राजस्थान की जो परंपरा है, संस्कृति, एकता और आतिथ्य सरकार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस तरीके के तथ्यहीन बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और उनकी पार्टी को हमने पत्र लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राजपूत सभा ने, तो उन पर कम से कम एक नोटिस दे कार्रवाई होनी चाहिए।